आपको एक समोसा तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने बड़े साइज के समोसे मैंने बनाए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। ये देखिए, और समोसों की अंदर की फिलिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। वाह, सुन सकते हैं आप आवाज। वाह। और गाइस लुक एट दिस, लग रहा है ना मार्केट से लाए हैं, तो एंजॉय कीजिए। मैंने आपको इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स दी है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपके समोसे मार्केट जैसे परफेक्ट बनेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, और एंजॉय करिए समोसों को। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं, आज समोसे बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाएंगे। उसके लिए डो को नीट कर लेते हैं। तो ये मेजरिंग कप से यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, स्पून से क्या है तो 1/4 स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1/4 स्पून इसमें मैंने अजवाइन क्या यूज किया है। डो को नीट करने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, आपको इसमें मिलाना है देसी घी। ऑयल का यूज नहीं करिएगा, अदरवाइज क्या होगा, समोसे आपके खस्ते नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए घी ले लिया है और घी को मेल्ट कर लिया है। अगर स्पून से कहे तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून देसी घी डाला है और इस तरह से करते हुए इसको मिक्स करिएगा, जिससे मैदे में पूरे अच्छे से घी मिक्स हो जाना चाहिए, तभी ये हमारे क्रिस्पी खस्ते करारे समोसे बनके रेडी होंगे। मैं आपको आज बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, तो मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आप समोसा बनाते वक्त जो भी गलतियां करते हैं, आज के बाद वो सारी गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो इसका डो उठा रहे हैं और बांध रहे हैं, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसका हम डो नीट करेंगे। डो नीट करते वक्त जो हम गलतियां करते हैं कि हम डो को बहुत ही सॉफ्ट नीट कर देते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम यहाँ पे एकदम सख्त डो नीट कर लेते हैं। टाइट डो नीट कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम कुछ देर गूंथ लेंगे, पानी नहीं डालिएगा। आप देख सकते हैं कि एकदम टाइट है डो, 3-4 मिनट अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। ये देखिए डो मैंने नीट कर लिया है, इसको आप कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। समोसे के लिए सबसे जरूरी चीज जी हाँ गाइस, आलू। आलू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समोसा। तो क्या करेंगे, यहां में मैंने 3 आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं, एक काफी बड़ा है और 2 मीडियम साइज के हैं। आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, आप चाहे तो हल्का सा मैश कर सकते हैं। मैं इसको हाथों से थोड़ा सा मैश करूंगी इस तरह से। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे, समोसे का मसाला बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून सौंफ, फ्लेम मैंने एकदम मीडियम कर दी है, जितना सौंफ उतनी धनिया, 1/2 टेबल स्पून हम धनिया भी लेंगे। जीरे की क्वांटिटी जस्ट हाफ रखेंगे, यानी कि 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम। इसको हल्का रोस्ट करना है हमें। आप इसकी चटकने की लाइट लाइट साउंड सुन सकते हैं। बस फ्लेम को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने कूटने के लिए खलबट्टे का यूज किया है। आपके यहाँ इसको किस नाम से बुलाया जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो हमने कढ़ाई में रखा था मसाला वो उसमें डाल लेंगे। चलिए इसको क्रश कर लेते हैं। जरूरी चीज, आप इसको मिक्सी में ग्राइंड मत करिएगा, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हम खलबट्टे में इसको डाल के हल्का सा क्रश कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमें कुछ कर लेना है, ये देखिए, और इसमें बहुत ही प्यारी आ रही है। आइए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कढ़ाई मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून इतना मूंगफली का तेल, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं आप वो डाल सकते हैं। अदरक और मिर्च का मैंने यहाँ पे पेस्ट बनाया है, उसको डाल देंगे। आप यहाँ पे कट करके भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1/4 इतना ब्लैक सॉल्ट,
1/4 हल्दी मिक्स करेंगे। मटर रखा है आधा बाउल, वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसी में भुनने देंगे हम। और ये देखिए जैसे ही भुन जाए, यहाँ पे देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया है, आलू डाल देंगे और अच्छे से इसको थोड़ी देर भुनने देंगे। इस स्टीम से अच्छे से इसके अंदर जो मटर हमने डाले उसकी भी कुकिंग हो जाए। और 2 मिनट हो चुके हैं, कवर को हटा लेते हैं, मिक्स कर लेंगे एक बार। ये जो आप देख रहे हैं ये हल्का सा ब्राउननेस, ये जरूरी है समोसों में आना। इसे समोसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आधी धनिया इसे स्टेज पे डाल देंगे। हाई टू लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको कुक करना है। इसको 2-3 मिनट बहुत अच्छे से कुक कर लेते हैं। समोसे का मसाला है तो लो इसको जो है कुक होना चाहिए। आलू को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और इसको ये देखिए कितने अच्छे से ये भून चुका है। आप देख सकते हैं इसमें रेडनेस आ चुकी है। बस ये परफेक्ट टाइमिंग है मसालों को डालने के लिए। इसी टाइम पे जो हमने मसाले बना के रखे थे उसको हम डाल देंगे। धनिया डाल देंगे, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। आमचूर पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है समोसों में। समोसों की स्टफिंग बनके रेडी है। फ्लेम को हम कर देंगे बंद। इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या तो आप ठंडा होने दीजिए इसको, या तो फ्रिज में भी रख के आप इसको ठंडा कर सकते हैं। ठंडियों का सीजन है तो मैं इसको अभी ऐसे ही बाहर रख दूंगी, ये ऑटोमेटिक ही ठंडे हो जाएंगे। ये जब तक ये एकदम रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते तब तक हमें इसको ठंडा कर लेना है। और चलिए इसको रेस्ट होते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। ये जो खिंचाव देख रहे हैं ये आना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे से बॉल्स कट कर लेते हैं। छोटे का मतलब बहुत छोटा नहीं, नॉर्मल साइज। यहाँ पे मैंने ये साइज लिया है, जैसे मार्केट में बड़े बड़े समोसे मिलते हैं ऐसे हमें समोसे बना लेने हैं। हाथों से थोड़ा सा मस लेंगे इसको। हम इसके बॉल्स बना के रख लेंगे। हमने सारे बॉल्स बना लिए। आप देख सकते हैं कि इस साइज का हमने बॉल लिया है। जो समोसे की हम रोटी बेल रहे हैं यहाँ पे वो लंबे में रहेगी, गोल में नहीं बेलिएगा। और इसको थोड़ा पतला बेलिएगा और इस तरह लंबाई में बेलना है इसको। इस तरह की लंबाई रहनी चाहिए इसकी। कट कर लेते हैं और इसी तरह से हम पहले कुछ बेल के रख लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सब बेल लिया है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाएंगे। ये सब हम साइड में रख देते हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे पीछे की तरफ। बहुत पतला नहीं करेंगे बट बढ़ाएंगे हम इसको। ये देखिए इतना पतला ये होना चाहिए। सबसे जरूरी पॉइंट, इसको हमें बंद कैसे करना है। साइड पोर्शन पे हमें ऐसे अच्छे से पानी लगाना है और ये पोर्शन हमें अच्छे से लॉक करके इसको दबा देना है। ये इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारी आलू अब ठंडी हो चुकी है तो आलू भरेंगे हम। बहुत ज्यादा आलू नहीं भरेंगे, किनारे किनारे हम पोर्शन में यहाँ पे पानी लगा देंगे। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको ऐसे करके इसको ऐसे प्रेस कर देना है। इससे जो जब हम बंद करेंगे तो ये चीज बहुत अच्छे से बंद होती है। इसको करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा दूसरी चीज, इसको बैठाना बहुत जरूरी है ऐसे करके। आप देखते होंगे कि जब हम समोसे लेने जाते हैं या खाने के लिए कभी भी होटल में जाते हैं तो वो लोग समोसे ऐसे करके खड़े रखते हैं, तो ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको दूसरा भी इसी तरह से बता देती हूँ। देखिए इसको हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे क्योंकि ये अभी मोटा है। आप देख सकते हो इतना मोटा समोसा नहीं चाहिए, समोसा पतला होना चाहिए। अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये देखिए आलू की स्टफिंग हम भर देंगे कॉर्नर से। हम ये देखिए पानी लगा दिया मैंने, इसको ऐसे दबा देंगे। उसके बाद ये कॉर्नर को हम चिपका देंगे आपस में।
अच्छे से चिपकाएंगे। और ये नहीं कि तुरंत ही आपने चिपकाया और तुरंत ही आप इसको डीप फ्राई करने लगे, नहीं, 2 मिनट के लिए एटलीस्ट ऐसे रहने दीजिए और इस तरह से रखते जाइए। इस तरह से आपके समोसे एकदम मार्केट स्टाइल बनेंगे। 6 समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं बना के। अच्छा, समोसा डालने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत लो रहेगा तो ये तेल को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। आटे डाल के देखते हैं कि जैसे हमें चाहिए वैसे है या नहीं। ये देख सकते हैं बबल्स आ रही है, इसका मतलब ये है हमारा जो ऑयल है वो मीडियम हॉट है। इतना ही हमें चाहिए ऑयल और समोसों को हम डाल देंगे इसमें। 6 समोसे आराम से इसमें आ जाएंगे। अब इस वक्त जो ध्यान देने वाली बात है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको अच्छा गोल्डन फ्राई होने देंगे। समोसे इसको डीप फ्राई होते हुए लमसम 5 मिनट हो चुके हैं, बट इसको अभी मैं 2 मिनट और फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं कितने प्यारे गोल्डन कलर आए हैं और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी समोसे हमारे बन के रेडी होंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे दोनों तरफ से रेड नहीं हुए ना, तो हमें दोनों तरफ से अच्छे क्रिस्पी कर लेने हैं। ऐसे ही डीप फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आराम आराम से इसको कुक होने देंगे। फिर जितने आराम आराम से कुक होंगे उतने ही टेस्टी और क्रिस्पी समोसे बनेंगे। 2 मिनट हो गया है इसको, तो अब हम निकाल देंगे समोसों को। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे समोसे कुक हो गए हैं, मैं आपको गाइस दिखाती हूँ अभी। इसीलिए मैंने कहा था कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, मैं छोटी छोटी सी बातें आपको बताती रहती हूँ हर वीडियो में वैसे तो, लेकिन कुछ खास टिप एंड ट्रिक्स मैं आज समोसों में आपको दे रही हूँ। जो आप छोटी छोटी सी गलतियाँ करते हो वो नहीं करोगे। ये देखिए समोसे में जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, आप वहाँ देखिए रेड रेड हुआ है ना, यही चाहिए हमें। और ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, अगर वाइट रहेंगे तो इसका मतलब समोसे हमारे अच्छे से कुक नहीं हुए हैं। और ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म समोसे बनके रेडी हैं। मैंने इसको सर्व किया है टमाटो केचप और इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी की रेसिपी मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बट ये समोसे की जो मैंने चटनी बनाई है इसके लिए मैं दूसरी तरह से इमली की चटनी बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसे, बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। आप भी अपने घर में इसको जरूर ट्राई करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।